नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ और मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ जी, दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि तुसी भी अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। अजकल सौन भादरों का महीना आ गया है। यह जिन्हें भी सलाब आने ने तुसी अपने घरों ते महल्लियां नू आप बचाना, गवर्नमेंट ने नहीं बचाना। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। और वैसे भी बरसात के मौसम में छोटी छोटी टिप्स आपको मैं दूं। अक्सर आपने देखा है क्योंकि आंधियों का भी बहुत दौर, बहुत तेज़ हवा चलती है, अक्सर हमने देखा हमारी छतों पे बहुत सी इजी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि तेज़ आंधी से नीचे गिर सकती हैं, नीचे किसी को चोट लग सकती है, पर नालों में जो है ना मिट्टी फंसी होती है, बारिश होगी, पानी ऊपर जमा होगा, तो थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए, बरसात से पहले उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। और ये तब होगा जब दिमाग की बत्ती जलेगी। तो देखना यह है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान है उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। खान साहब, एक सवाल, चार ऑप्शन, ठीक है, एक को आपने सेलेक्ट करना है। तो जब भी किसी गेस्ट की हम कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ तो चुटकी की आवाज भी आती है और टिन की आवाज भी आती है, तो इस तरह कीजिए टिन टिन। ओके, थिएटर में इनमें से किस साथी अदाकार के साथ आप मुकालमेबाजी में थोड़ा सा संजीदा हो जाते हैं? खुशबू, मैगा, नरगिस या फिर कोमल नाथ? मेरे हिसाब से तो किसी के साथ भी नहीं, मतलब संजीदा किसी के साथ नहीं हुए। इन चारों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? चलें यूं बता दीजिए। खुशबू। खुशबू, ठीक है। एक और ले ला जी, लड़ाई ना बुआ दे। कौन? मेगा। मेगा, मेगा। चलो ठीक है, अगला सवाल। इनमें से किस साथी अदाकार दोस्त से आप उधार मांगते हुए आप झिझकेंगे नहीं, कभी आपको उधार की जरूरत पड़े? इन चारों में से ऑप्शन नंबर वन तारिक टेडी से आप उधार मांगते हुए कुछ हिचकिचाएंगे नहीं, ऑप्शन नंबर टू अकरम उदास, ऑप्शन नंबर थ्री नासिर चिनयोटी एंड ऑप्शन नंबर फोर काशिफ महमूद। काशिफ महमूद के साथ नहीं जीचू। थैंक यू। वो इसलिए कि जिसको आपने रोज मिलना ना उसके साथ झिझक हो सकती है, इन्हें मैं कभी कभी मिलना होगा। अच्छा जी, इनमें से कौन सी ऐसी हीरोइन है जो ख्वाब में आके जफरी खान को तंग करती रही है या करती रही थी? इन चारों में से ऑप्शन नंबर वन, क्या कभी ऐसा हुआ कि माधुरी दीक्षित आपके ख्वाब में आई और उन्होंने आपको टन टन कुछ किया, या वो किया, क्या करते होते हैं आप? सेकेंड ऑप्शन रीमा, थर्ड ऑप्शन करीना कपूर एंड फोर्थ ऑप्शन साइमा सीडी खान। रीमा। ख्वाब में आती थी रीमा आपकी? ख्वाब में भी आएगी होगी। नहीं, जब वो ख्वाब आप देखते थे तो आपकी आंखें बंद होती थी या खुली आंखों से ख्वाब आते थे आपको? मैं खोल के बेहदा सा ना। इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार है जो आपको लगता है कि जफरी खान को करना चाहिए? ऑप्शन नंबर वन टर्मिनेटर, ऑप्शन नंबर टू देवदास, ऑप्शन नंबर थ्री बाहुबली या ऑप्शन नंबर फोर बख्तू। बाहुबली करनी चाहिए या KGF चैप्टर 3 करना चाहिए मुझे? बाहुबली जिसने रोल किया बाहुबली का, उसने सही नहीं किया। मैं उसको अपने तरीके से करता हूँ। कैसे करते हैं? अगर बाहुबली ये बनते तो इन्होंने पलग ही करना सी, महेंद्र बाहुबली। अच्छा जी, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें किसी फल से तशबीह दें। फल ज़हन में ना आए तो आप किसी ड्रामे का नाम भी उनको दे सकते हैं। फर्स्ट पर्सनालिटी, देखते हैं जफरी खान कौन सा फल डेडिकेट करते हैं नसीम विक्की को। चौंसा आम। नसीम विक्की, आप एक चौंसा आम हैं। वाह। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ्तिखार ठाकुर को जफरी खान साहब कौन सा फल डेडिकेट करते हैं। जी, उन्हों फल मैं कह ही नहीं सकता, उन्हों मैं तय नहीं कहांगा। जिदते फल लगता। अच्छा, वो कौन सी टहनी हो, किस फल की टहनी हो? वो जिदी मर्जी कर। नेक्स्ट जी, ओए होए होए, आगा माजिद, हलवा कद्दू। हलवा कद्दू, वेरी गुड। चलो जी, आप देखते हैं कि जफरी खान इस पर्सनालिटी को क्या कहते हैं। क्लोज कर लीजिए कैमरा, बिग शॉट चाहिए जफरी खान का। जफरी खान, आप पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को कौन सा फल डेडिकेट करेंगे या फिर सब्जी? फसे है, घबराया है। मतलब वड्डा जिहा माल्टा कह सकते शहबाज शरीफ साहब, आप एक वड्डा जिहा माल्टा है, वो जिहड़ा 300 रुपए का नहीं, जिसमें जूस नहीं होता।
अब देखते हैं एक और बहुत बड़ी पर्सनालिटी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान, आपके ख्याल में कौन सा फल उनको सूट करेगा या सब्जी? बताऊं टैब गरम भी। इमरान खान आप एक बताऊं हैं, ये मैंने कह रहा है, जफरी कह रहा है। बहुत सी तालियां जफरी भाई के लिए, जवाब दिए। अब चलते हैं शान से आपकी, चलो जी बैठिए बैठिए जी, शान से जी जाइए। मेरा मतलब कुछ जेन साडे भी पल्ले एस्टम पारे। एस्टम टूटे किन्ने ने ताडे उडे गल गया है जो 2000 रुपए अच्छा बैठे बैठे ऐसे भी आप ना दही होना कोई दवाई। शांति जी, चार लोग आपको मैसेज कर रहे हैं फॉर बिजनेस कोचिंग हासिल करना चाहते हैं, और आपने सेलेक्ट करना है कि आप सबसे पहले किसको जवाब देंगी। पहली पर्सनालिटी, क्या आप सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब के मैसेज का जवाब देंगी? सेकंड पर्सनालिटी, क्या आप शेख रशीद साहब के मैसेज का जवाब देंगी? जनाब नवाज शरीफ साहब को आप कोई बिजनेस टिप देंगी या फिर आप इमरान खान साहब को देंगी? आसिफ जरदारी, सुना है वो तो खुद बहुत बड़े तो बहुत ही पैसे हैं। हाँ, इसीलिए दैट इज अ बिग थिंग आसिफ जरदारी। वेरी नाइस, अच्छा जवाब है भाई। अच्छा सुना है आपको टूरिज्म का भी बहुत शौक है और आप बहुत ट्रेवल करते हैं, पसंदीदा जगह कौन सी है इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 लॉस एंजलिस, ऑप्शन नंबर 2 मालदीप, इस्तांबुल या फिर ननियाल का गाँव? इस गांव में मैं अभी तक गई नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं दोबारा से स्कर्दू दोबारा जाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा अब आप एक ओथ लीजिए, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, कहिए। मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बिजली का बिल देखते ही आपके मुंह से सबसे पहला जुमला कौन सा निकलता है इन चारों में से? मेरी तौबा, लवे मौला, पिछला बिल लग के तो नहीं आ गया, या फिर हाय में मर के? नहीं, पहली गाल निकल दी। आपने कहा था जो कहूंगी सच कहूंगी, अब मैं क्या कहूं? चलो इनको सेंसर करके बता दीजिए। कहूंगी बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है। बिजली आती नहीं है और वो बिल भेज देते हैं, भेज ये देते वो जो है। हाँ। इस पे जो है ना, आप जुमला आप खुद भर लें, खुद फिट कर लें। चलो जी, पसंदीदा खाना कौन सा है आपका? इटालियन, चाइनीज, टर्किश या फिर चाय पराठा? चाय पराठा। अरे वाह, ताली होनी चाहिए। सर माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं जी। मौसीकी का पैरा बिठा रखा है हमने निमरा मेहरा की सूरत में। आपकी बात सी तालियों में निमरा मेहरा। आप सब लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, उस्मान बुज़दार साहब का आजकल ये फेवरेट गाना है। चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर चक्कर लगाते हैं और गाड़ी पे यही गाना लगा होता है, और उसको देख के कहते हैं कि तेरे बिना लगता नहीं।